हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन गाइस। ये वीडियो डिफरेंट है थोड़ा। इसमें मैं अपना गेम प्ले या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देने वाला, कुछ गेम प्ले का नहीं है, बट लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं। आप लोग में से बहुत से बंदे मेरे लाइव स्ट्रीम देखते हैं और बहुत सारा कमेंट आता है वहाँ कि भाई साउंड नहीं आ रहा, साउंड इम्प्रूव करो, मतलब साउंड बढ़ाओ, साउंड नहीं आ रहा। तो ईयरफोन का क्या है कि साउंड बहुत तेज़ है और मैं फुल कर भी देता हूँ तब भी आपको स्लो साउंड आता है। मैंने भी देखा अपनी लाइव स्ट्रीम के बाद में, मुझे भी पता चला कि स्लो साउंड आ रहा है सच में। तो ईयरफोन का साउंड फुल करने के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, मतलब गन फायरिंग जो होता है बहुत तेज़ आवाज़ आता है। तो मैं ईयरफोन मतलब निकाल कर कहीं बस माइक पकड़ के स्ट्रीमिंग करता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइव स्ट्रीम करना ही है प्रॉपर, तो क्यों ना एक माइक ही ले ले। और मैं माइक लेने आया था, माइक ले चुका हूँ और ये मेरा रिटर्निंग का वीडियो है, क्योंकि जाते टाइम मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि कहाँ जाना है। एक जगह गया था बट वहाँ नहीं मिला, फिर वहाँ से कहीं और गया मैं और वहाँ पर फाइनली माइक मिला मुझे। और 3.5 mm स्प्लिटर भी लिया है। तो लाइव स्ट्रीम करेंगे गाइस, रैंक सीजन एंड होने वाला है और न्यू सीज़न आएगा, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, ग्रैंड मास्टर का ट्राई करेंगे। पहला ट्राई होगा मेरा लाइव पर, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो स्क्वाड रेडी है मेरे पास, 10 प्लेयर्स की स्क्वाड है हमारी, और बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हैकर्स कम से कम मिले और हैकर्स के चलते माइनस ना लगे, वरना बहुत बुरा लगता है यार कि इतना मेहनत कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम पर और हैकर आकर के माइनस करा रहे हैं। वैसे हैकर तो आने ही है, मुझे भी पता है, बट कोशिश करेंगे कि बुया ना भी निकले हैकर के गेम में, तो माइनस भी ना लगे, थोड़ा सा ही प्लस हो बट माइनस ना लगे। तो यही सब है। और अभी रैंक का सीज़न है तो रैंक का लाइव स्ट्रीम करेंगे, और जब क्लास स्क्वाड का सीज़न रीस्टार्ट होगा, मतलब ये सीज़न एंड होके नया सीज़न आएगा, तो क्लास स्क्वाड की भी स्ट्रीमिंग करेंगे हम, और ये सब प्रॉपरली चलता रहेगा। और संडे को जो कस्टम कराते हैं वो हर संडे कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और गैस डिस्कॉर्ड सर्वर और फेसबुक पेज पर भी काम चल रहा है, फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फेसबुक पर भी लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जल्दी ही शुरू करेंगे। फेसबुक पेज विनर गेमिंग नेम से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और जल्दी वहाँ भी लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। यूट्यूब पर भी करेंगे, फेसबुक पर भी करेंगे, और यूट्यूब पर जो सेकंड चैनल है हमारा उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिन लोगों ने चेकआउट नहीं किया जाकर चेकआउट करो, वहाँ पर रेगुलर वीडियोस आती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वन टैप मॉन्टेजेस सोलो वर्सेस स्क्वाड, तो उसको ऑफलाइन वीडियोस के लिए रखा है। और इस चैनल पर हम लोग स्ट्रीमिंग करेंगे और कस्टम करेंगे, इस फन कस्टम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे चाहिए डिस्कॉर्ड सर्वर पर, डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना के जल्दी ही लिंक प्रोवाइड करूँगा डिस्कॉर्ड सर्वर का भी, तो ट्यून्ड इन रहना चैनल में। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं अपने माइक्रोफोन की। सो गाइस, ये रहा हमारा ईयरफोन, ईयरफोन कह रहा हूँ, ये माइक्रोफोन माइक है गाइस, बोया का लेवलर माइक्रोफोन, माइक्रो क्रेवेट बाय बोया, ये BY M1 है। और क्या लिखा है, लेवलियर माइक्रो माइक्रोफोन माइक्रो क्रेवेट, पता नहीं। ये मुझे पड़ा गाइस 700 का, जो शॉपकीपर था वो 850 बोल रहा था, बट बार्गेनिंग करके मैंने 700 में लिया है। ऑनलाइन में भी 750 के आसपास ये देखने को मिल जाएगा आपको अमेज़न पे। और ओपन करते हैं इसका, इसके साथ मैंने 3.5 mm जैक स्प्लिटर लिया है। इसमें एक साइड से ये माइक घुसेगा और दूसरे साइड से ईयरफोन, ताकि मैं सुन सकूं एनिमी के फुटस्टेप्स या फिर जो भी फाइट होता है, गन पावर, गन फायरिंग। तो ओपन कर लेते हैं गाइस। तो ये एक बहुत अच्छा पाउच है गाइस, बोया कंपनी की ब्रांडिंग दी हुई है, लेदर पाउच है, अच्छा लग रहा है क्वालिटी और कुछ अच्छा। और ये कुछ पेपर वर्क हैं इसमें, तो ये कुछ टिप्स हैं, बता रहे हैं कैसे यूज़ करना है, बैटरी रिमूवल अप्लाई करने कैसे, वो वहाँ पर मैंने पूछ लिया था भैया से और ऑनलाइन भी देखा था। तो ऐसे यहाँ पर देख सकते हो कैसे कॉलर पर लगा हुआ है माइक, इसी तरह से कुछ लगाऊंगा। तो इसको रखते हैं साइड में, इसको खोल लेते हैं पहले। तो ये पता नहीं क्या है, थ्रो अवे डू नॉट ईट डिसिकेंट सिलिका जेल। और ये रहा गाइस माइक्रोफोन, इसमें एक ये है गाइस, ये विंड नॉइज़ को कम करता है, जो एयर निकलता है उसको कम करता है, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं तो कभी कभी ज़्यादा प्रेशर से बोलते हैं तो वो साउंड को रिड्यूस करता है और क्लियर साउंड देता है। इसको अप्लाई करके रखेंगे। और ये जो है देख सकते हो आप लोग, इसको ऐसे करके फैला करके ऐसे कॉलर में लगा लेना है, ये ढीला है, निकल जाता है, बट कोई नहीं, कर लेंगे इंतजाम, बांध दूंगा मैं। तो ट्राई कर लेते हैं गाइस फ़ोन में,
जस्ट अ मिनट। लाइट्स नहीं जल रहे थे तो ठीक नहीं लग रहा था। और ये रहा अपना पोको X3 प्रो, तो देखते हैं साउंड टेस्ट करके इसमें। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है गाइस, मैं दिखा दूँ आप सबको। ये मैं शॉप पर ही लगवा चुका था। ये देखो ये बैटरी दिख रही है ना सिल्वर कलर की, इसको खींचूंगा ना तो बैटरी निकल जाएगी, बट निकालने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहने देते हैं। और गाइस ये भी एक क्लिप टाइप का है, इसको भी अटैच कर सकते हैं कहीं भी, नीचे पैंट्स में या फिर शर्ट के साइड में, ताकि ये लटके नहीं। ये पार्ट थोड़ा हेवी है, मेटल का है, और इसकी वायर बहुत ज़्यादा लंबी है गाइस, इतना वायर फोल्ड है और इधर भी इतना फोल्ड है, बट इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको भले ही निकाल लूँ मैं यहाँ से, बाकी ज़्यादा वायर की ज़रूरत नहीं है मुझे। और एक बार साउंड क्वालिटी टेस्ट करा दूँ आपको। तो साउंड क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं गाइस, जस्ट अ मिनट। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल विनर गेमिंग। दिस इज होस्ट विनर YT। तो देख लेते हैं, बार्स तो ऊपर नीचे हो रहे थे। देखो गाइस, अब ये निकाल देता हूँ, अब सुनो। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल विनर गेमिंग। दिस इज होस्ट विनर YT। तो साउंड क्वालिटी एकदम क्लियर है, वैसे तो अभी शोर भी नहीं है रूम में, बट फिर भी साउंड क्वालिटी क्लियर है। और आई थिंक शोरगुल होगा जब कूलर चलाता हूँ रात में, तभी आई थिंक थोड़ा क्लियर साउंड देगा नॉर्मल ईयरफोन से। तो नॉर्मल में तो वॉइस मतलब नॉइस कैंसिलेशन का कुछ ऑप्शन नहीं रहता। अब इसके साथ देख लेते हैं, ये स्प्लिटर लिया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, इसमें दो साइन है, एक है हेडफोन का और एक है माइक का। तो ये माइक है, तो इसको माइक वाले में लगाएंगे। और अब अप्लाई करके देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। अच्छा हेलो गाइस, ये प्लेन जा रहा है, आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हो रहा ये। ओके देख लेते हैं, प्लेन जा रहा है, साउंड नहीं आ रहा है इसमें, पूरा प्लेन है गाइस, कुछ साउंड नहीं आया। स्प्लिटर ख़राब है, आई थिंक स्प्लिटर में कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल में सही जा रहा है, एक बार स्प्लिटर में म्यूज़िक बजा कर देख लेते हैं, म्यूज़िक चलता है या वो भी नहीं चलता है। सो गाइस ईयरफोन देख लेते हैं, ये हेडफोन वाले में लगाएंगे हेडफोन। इसमें तो क्लियर साउंड आ रहा है गाइस, ऐड का भी, ये डोमिनोज का ऐड आ गया और ये भी क्लियर आ रहा है बहुत। ये देखो, ये आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ईयरफोन का साउंड क्लियर आ रहा है, माइक नहीं आ रहा, तो ये बेकार ही हो गया। स्पीकर डायरेक्ट लगा करके माइक बोलना पड़ेगा, बट क्या है कि फुटस्टेप्स नहीं सुन पाऊँगा मैं अपोनेंट्स के। तो एक और गाइस बॉक्स है मेरे पास दिखाने के लिए, इन सब को भी साइड में रख लेते हैं थोड़ा। ये गाइस हेडफोन, ये मैंने 1-1.5 साल पहले लिए थे जब यूट्यूब पर नया नया आया था, तो उस समय मैंने सोचा था कि इसमें कुछ अच्छे वीडियोस बना पाऊँगा मैं इसकी मदद से, बट उसमें इसमें साउंड ही नहीं आता था, नॉर्मल गन वगैरह कुछ का साउंड नहीं आता था, तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया कभी। अभी मे बी लाइव स्ट्रीम में ये यूज़फुल हो जाए। बहुत बड़ा है गाइस, पीसी का है ये, इसमें ये देखो तीन ये हैं, तो पीसी में लगते हैं ये। RGB लाइटिंग भी सपोर्ट करता है। एक मिनट मैं दिखा दूं आपको लाइटिंग इसका, ये कुछ पेपर वर्क है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ HP का, तो इसको साइड में रखते हैं अभी। पहले RGB लाइटिंग दिखा देता हूँ गाइस, ये पावर बैंक है मेरे पास 10,000 mAh का, ये भी मतलब बहुत टाइम पुराना है, पता नहीं काम करेगा नहीं। ये देखो गाइस लाइट जलता है, ये HP जहाँ लिखा हुआ है ना इस पर दोनों साइड वाले,
तो ये स्पेशली पावर बैंक लगाना पड़ेगा। तो RGB लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, फेस के साथ मैं नहीं करने वाला स्ट्रीम, अभी नहीं करने वाला, बाद में करूँगा फेस के साथ भी। और ये माइक है इसका, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें ये मेन यहाँ पर देखो माइक है, रेड वाला और ग्रीन वाला है हेडफोन का, तो आई थिंक नहीं दिख पा रहा है, तो एक बार स्प्लिटर लगा कर चेक कर लेते हैं इसको। तो माइक रेड वाला है, तो रेड वाला माइक में जाएगा, और ये हेडफोन है, तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं गाइज। इसको मैं अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, एक बार इससे सॉन्ग प्ले करते हैं। साउंड तो सही आ रहा है गाइज, साउंड सही आ रहा है गाइज, आई होप आप लोग सुन पा रहे होंगे। थोड़ा यहाँ लो साउंड आ रही है, बट इतना बड़ा है ये, पसीना आ जाएगा इतने गर्मी के टाइम में। बहुत बड़े हैं इसके, 50 mm ड्राइवर्स हैं आई थिंक, और ये अभी तक खोला नहीं मैंने। बहुत अच्छा है, मतलब पावरफुल है ये, साउंड अच्छा आता है इसमें, तेज आता है। तो एक बार इसका रिकॉर्डर चेक कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं साउंड। तो बोलता हूँ मैं कुछ, हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल विनर गेमिंग। तो गाइस ये देख सकते हो वेरिएशन, ये दिखा रहा है कि वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक बार सुना देता हूँ आपको क्वालिटी। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल विनर गेमिंग। तो गाइस ये देख सकते हो वेरिएशन, ये दिखा रहा है कि वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक तो गाइज यहाँ पर देखा आपने, इसमें भी क्लियर साउंड आ रहा है। तो लाइव स्ट्रीम जब करूँगा, रैंक सीजन एंड हो जाएगा, न्यू रैंक सीजन आएगा, तो अपनी स्क्वाड के साथ लाइव स्ट्रीम करूँगा, रैंक पुश करेंगे हम लोग, तब हम लोग हेडफोन ही यूज़ करेंगे। थोड़ा कूलर वगैरह वगैरह चला देंगे, बट पसीना तो आएगा ही, इतना बड़ा हेडफोन है। बाकी विंटर के लिए ठीक है, AC है घर में तो ठीक है, बट क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ कुछ तो उपाय करना ही होगा, क्योंकि साउंड नहीं आता तो मज़ा नहीं आता सुनने में या फिर लाइव स्ट्रीम देखने में। और मैंने भी देखा अपनी वीडियोस में साउंड बहुत कम आ रहा है, गेम का साउंड आता है बस। तो गाइज अब हम लोग इस हेडफोन से लाइव स्ट्रीम करेंगे। मुझे नहीं लगता अब फ्यूचर में कहीं वॉइस का प्रॉब्लम होगा, जो मेरा वॉइस स्लो आता था लाइव स्ट्रीम में, अब सब कुछ सही आएगा। इसका माइक बहुत अच्छा है, क्लियरली वॉइस कैच करता है। और गाइज मैं ही इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ करो, स्ट्रीम को लाइक शेयर किया करो। लाइक करने से क्या होता है, ज़्यादा बंदों तक रिकमेंड करती है वीडियो और ज़्यादा व्यूअर्स आते हैं, तो लाइक कर दिया करो स्ट्रीम को, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और शेयर किया करो जितना पॉसिबल हो सके। और गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे न्यू चैनल का लिंक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, टिप्स एंड ट्रिक्स पहले वहीं आती हैं और उसके बाद इस चैनल पर आती हैं। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।